साथ में काम करना चाह रहा है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज सच में दिन की शुरुआत काफी अच्छे से हुई है। और बाकी उधर सामने रूम में बैठे हुए हैं तो मैंने सोचा कि मैं इधर आ जाके ब्लॉग चालू कर लूं। एक्चुअल में आज का सीन ऐसा है कि आज हम क्या करने वाले हैं, अभी मेन मकसद यह है कि आज नैना चले गई थी शॉप, लेकिन मेरे को पता थी क्योंकि हम लोग का हो गया था झगड़ा एक्चुअल में, तो जिसकी वजह से मैंने बताया नहीं कि आज बंद है नैना। तो उसके बाद वो जब वापस आई ना घर, बोले बता नहीं सकते थे। मैंने बोला मेरे को जरूरत नहीं लगा बताने का, तो मैं मस्त घर में यहाँ पे आराम से चिल करके सो रहा था जब तक नैना गई वापस आई। अब आके क्या कर रही दिखाता, गाना चल रहा है। और आज का जो वेदर है ना वो काफी गजब गजब दे रहा है यार। मतलब आप लोगों को पता है कि बसंत पंचमी भी आने वाली है, जिसकी वजह से देखो ये पूरा का पूरा पतझड़ वाला मौसम हो गया। बाकी इधर गाना चल रहा है जिसकी वजह से, तो ठीक है अभी चलो मैं भी नहा लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं। इन लोग तो कहीं जाएंगे घूमने उमने, तो इन लोग चले जाएंगे, अपन घर में रहते हैं, स्कूल जाएंगे, स्कूल से जाने देखते हैं, जैसा भी होता है बताएंगे। तो गाइस फाइनली रेडी हो गए हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये लोग तो कहीं जा नहीं पाया पता है इतना देर से, और लोग जब देखो तो मुंह क्यों छुपाते हैं मेरे को आज तक वो समझ में नहीं आया। शकल अच्छा नहीं है तब तो बात अच्छा किया करो। इधर गाना चल रहा है, वो नहाने जा रहा है, वो भी जा रहा है कि वो देखो नहीं जा रहा है, वो भी क्या बोलूं अब मैं। तुम जा रहे हो, जाओ जा रहे घूमने। हाँ तुम लोग जाओ तो मैं जाता हूँ स्कूल। स्कूल जाते हैं, स्कूल से आने के बाद बात हो गई है तो एक बार आप लोगों से पूछ भी लेते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप भाई की तरह एकदम मस्त होंगे और एकदम मस्ती रहना है फुल ब्रेन पावर में। कहां से एकदम से काया पलट हो गया ये देखो, अभी वहां पे फोन में हेडफोन लगा घूम रहा था और अब ये देखो क्या होगा। सब ये गरीबी का नतीजा है, नहीं तो सब बाहर कहां कहां होते। ये सब पागल हो गए आज यार, पूरा घर पागल हो गया। कोई यहाँ मटक रहा है तो कोई वहां मटक रहा है। ठीक है चलो अपन स्कूल चलते हैं, स्कूल से आके मिलते हैं, बाकी लोग को घूम के आने दो। Many unbearable hours later. तो फिलहाल गाइस स्कूल से तो आ गए, वहाँ पे प्यारा सा सनसेट हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ उसको टाइम लैप्स लूँ, बट किधर से लूँ मेरे को तो वो समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए ऐसे ही आप लोग अभी देख लो। फिलहाल गाइस अभी चलो मैं निकलता हूँ यहाँ से, और नैना लोग अभी भी नहीं आए हैं, ये लोग कहाँ गए पता नहीं, घूम घाम के आ जाएंगे तब तक अपन भी आ जाएंगे शायद। तो अभी चलते हैं अभिषेक भाई के पास क्योंकि सारा सीम तो खत्म हो गया, तो बाइक निकालते हैं, बाइक में चलते हैं, फ्यूल अप भी कराना पड़ेगा तो फ्यूल अप भी करवा लेते हैं। Sometimes someone turns to be the one that gives you everything, just like you did. Took me by surprise, made me complete. You changed my life, made me believe. अभी इसमें फ्यूल अप नहीं कराऊंगा, सोच रहा हूँ वापसी के आते टाइम करवा लेंगे। बाकी चलो उजाले उजाले में चले गए, निकल गए, इधर सनसेट हुआ था बढ़िया। फिलहाल ठीक है गाइस अभी निकल गए हैं, तो अभिषेक से मिलते हैं, उसके बाद देखते हैं कुछ सीन बनता है। तो वैसे तो मार्केट बंद था बोले, बट दंतेवाड़ा में ना सेकेंड हाफ के बाद मार्केट खोल ही देते हैं, तो अभी भी मार्केट खुल गया, अच्छा हुआ मैं अभिषेक को फ़ोन कर लिया। बाकी आपसे लोगों से एक ना ज़रूरी बात करनी है, तो मैं करूँगा, बताइएगा थोड़ा देर बाद। Now my heart beats, it beats for ya. Since you came into my life, I've never felt like so in love and so. देख रहे हो, कोई बोलेगा बंद था मार्केट, इतनी भीड़ है अभी भी। मैं सोच रहा हूँ कि तेरे पास अगर गांव वाला लड़का है, मतलब कोई एकदम इतान टाइप का दोस्त उस टाइप का है, तो मतलब जो गांव के अंदर में जाके गांव का कल्चर अपन मतलब कलेक्ट कर सके, गाँव वाले के जो लाइफ स्टाइल है उसको कवरेज करो, जैसे मतलब गांव का जैसे चापड़ा चीटी, जैसे गांव के लोग वो मतलब उसको खाना भी तो है बेटा। हाँ तो वो तो अपन टेंशन नहीं है। बाकी जो जो बस्तर से रिलेट करने वाले चीजें हैं ना, वो चीजें हमको मतलब बता सके। अगर आप में से अगर कोई लोकल है यहाँ से, मतलब जो आसपास हमारे साथ में काम करना चाह रहा है, तो एक बार हमको कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी इंस्टाग्राम पे आके बात कर सकते हैं, तो एक बार जरूर बताइएगा, क्योंकि ना मैं काफी टाइम से सोच रहा हूँ कि अब हो गया डेली ब्लॉग तो करते ही करते थे, लेकिन अब डेली ब्लॉग के चक्कर में ना हम डेली के लाइफ में रह गए, लेकिन ना अब चाह रहा हूँ कि मैं बस्तर से रिलेट करने वाले कंटेंट आप लोगों को दे। तो बस आप लोग एक बार इंस्टाग्राम में आइएगा, तो बस्तर से रिलेट करने वाली चीज़ें हम और आप मिलके एक्सप्लोर करेंगे, बस
बाकी इतना ही कहना था, जरूरी बात यही था, देखते हैं कहाँ जाने का होता है। बाकी सनसेट भी हो गया है तो अंधेरा होने आ जा। बाकी जो बात मैं बोला हूँ उस पर जरूर बताइएगा कि अगर आप में से आसपास के लोग अगर मेरी वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ मैं चाह रहा हूँ कि आपके साथ मैं घुस जाऊँ, अब गांव में गांव के कल्चर्स को कलेक्ट करें, बस जरूर बताइएगा। बस यार यहाँ पे फ्यूल अप कराने आए थे, फ्यूल अप करवा लिए, 500 का तेल डलवा लिया, अभी हो जाएगा, चलते हैं। तो चलो गाइस अब चलते हैं घर, और घर चल के मिलते हैं आपको। बाकी ठीक है, घर पे भी नैना लोग पहुंच गए हैं, अपन भी जल्दी से पहुंच जाते हैं, और क्या चाहिए। फाइनली पहुंच गए घर, और यहाँ पे बन रहा है चिकन, मुझे पता था क्योंकि मैंने ही भिजवाया है। चलो चिकन बन रहा है, मतलब ही चाहिए मेरे को, रोस्ट कर दो यार, इतने दिन से मन था मेरे को। ये देखो हाँ, चलो इन लोग घूम घाम क्या कहाँ कहाँ घूमे वैसे तुम लोग? हम लोग गए थे गीदम, मस्त मोमोज और आइसक्रीम। हाँ सही है, और ड्रिंक। ये तो घूमने गए थे ना? हाँ फुल घूम के आए आज तो, है ना? सब फोटो देखने को, हाँ सब फोटो देखने मिलेगा इंस्टाग्राम में, वाह। तो चलो गाइस ठीक है, घर पहुंच गए। मेरे को लगा आप चिकन बनाओगे। नो मैं वीडियो एडिट करेगा। तो चलो गाइस इस वाली वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, इस वाली एंड करते हैं। आई होप आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो करना प्लीज प्यार से लाइक, और अगर चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर जाइएगा। मिलते हैं कल वाली किसी बढ़िया